मेजर डिप्रेशन मतलब गंभीर प्रकार का डिप्रेशन जो है वो जनरल पॉपुलेशन में 3 से 5% गिना जाता है, मतलब 3 से 5% लोगों को मेजर डिप्रेशन की बीमारी होती है। आज मैं बताने वाला हूँ एक पेशेंट के लक्षण कि वो प्रेजेंट कैसे हुआ और फिर उसको मैंने कैसा ट्रीट किया। ये 30 साल का व्यक्ति है जिसको उसके पत्नी ने लाया और उसने बताया कि चिड़चिड़ करता है, काम भूल जाता है, उसको काम का बहुत आलस आता है, सुबह जल्दी उठता नहीं, इसका मन स्थिर नहीं है। कभी बोलेगा मुझे अभी नाश्ता करना है, बोला नहीं अभी नाश्ता नहीं करूँगा या खाना भी नहीं खाऊँगा, बाद में खाऊँगा, मतलब ऐसा स्थिर नहीं है। मोबाइल में रहता है, मोबाइल में कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहेगा, फिर उसको कुछ बोला तो बहुत चिड़चिड़ करेगा, टोकना नहीं, और फिर उसको ऐसा लगता है कि मुझे काम सूझता नहीं, ऐसा बोलता सूझता नहीं है, मतलब वो उसको ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि वो काम कोई भी करना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता खुद का। कभी उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगे तो ज़्यादा खाएंगा, कभी कभी कम खाएंगा, और उसको नींद नहीं आ रही है, खुद का ख्याल रखता नहीं है, कभी स्नान करेगा कभी नहीं करेगा और खुद की तरफ ध्यान देगा नहीं। अभी आजकल ज़्यादा सिगरेट ओढ़ने लगा है। तो ये क्या है कि ये पूरे लक्षण जो मुझे दिखे, तो जब डिप्रेशन के लक्षण दिखे तो मैंने उनको और फिर पूछा कि भाई और क्या क्या हो रहा है। तो इसीलिए वो डिप्रेशन का ही पेशेंट था। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन में क्या क्या होता है। तो डिप्रेशन क्या है कि कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब निराशा का कंटिन्यूस एक मूड रहता है, निराशावादी मूड, और कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, और फिर उसमें कुछ ना कुछ एक बिहेवियरल सिम्टम दिखेंगे या फिर शारीरिक लक्षण दिखेंगे, मतलब उसका बर्ताव जो है उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा या शारीरिक प्रॉब्लम रहेगा, और उसको नींद एक तो ज़्यादा आएंगी या नींद कम आएंगी, डिस्टर्ब नींद रहेंगी या फिर रेस्टलेस नींद रहेंगी, बहुत रेस्टलेस है, बीच बीच में खुल जाएगी, भूख एक तो बहुत ज़्यादा लगेंगी या बहुत कम लगेगी, एनर्जी लेवल बहुत ही कम रहती है। मगर जो एजिटेटेड डिप्रेशन रहता है उसमें वो एजिटेटेड है, मतलब बेचैन है, लगता है कि उसमें एनर्जी, मगर एक्चुअली एनर्जी रहती नहीं है काम करने के लिए, उसका मन एकाग्र नहीं होता है और उसका जो सेल्फ एस्टीम है मतलब स्व प्रतिमा वो बहुत डाउन हुई रहती है। मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरे से कुछ काम होता नहीं है, मैं मर गया तो अच्छा है, ऐसा जीना भी क्या जीना है, और कभी कभी सुसाइड के विचार भी ये लोगों में आते रहते हैं। कुछ डिप्रेशन के पेशेंट को बहुत चिंता रहती है, एंग्जाइटी है, या उनका मूड कभी कभी एकदम फ्लैट हो जाता है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, ना एंग्जियस, कुछ नहीं, कुछ मूड ही नहीं है, और गिल्ट कुछ लोगों रहता है, गिल्ट मतलब ऐसे अपराध बोध, अपराधीपन की भावना, पूरी निराशा, और कुछ भी एक्टिविटी में उनको मजा नहीं आता है, कुछ भी करने में, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्लेजर इन एक्टिविटीज, और फिर कभी कभी रोना आता है, बिना कुछ कारण का रोना है, चिड़चिड़ापन है, और एकाग्र नहीं होता, और फिर वो क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी में वो स्लोनेस आ जाता है। कभी कुछ लोगों का वेट ज़्यादा हो जाता है तो कुछ लोगों का वेट कम हो जाता है, खाना कितना खाते उसके ऊपर है। तो ये सब लक्षण जो है वो मेजर डिप्रेशन के है। वॉरटीऑक्सेटिन जो है वो अभी एक नई दवा निकली है, काफ़ी महंगी दवाई है, सब दवा का इस्तेमाल करने के बाद में उससे भी फायदा नहीं हुआ तो हम वॉरटीऑक्सेटिन देते हैं। महंगी होने के कारण ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर वो फायदेमंद है ऐसा कंपनियों का दावा है। यूजुअली हम SSRI जो ग्रुप है उसकी दवा देते हैं, उसके साथ में फिर जो ओल्ड एज दवाई जो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वो देते हैं, और उसके साथ साथ यदि बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, बिहेवियर थेरेपी और उसकी कॉग्निटिव थेरेपी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है डिप्रेशन में कॉग्निशन ठीक नहीं रहता है, कॉग्निशन परसेप्शन सिचुएशन को वो परसीव हर बार निगेटिव ऐसे ही करते रहता है, हर बार निगेटिविटी है, उसने ऐसा देखा तो क्यों देखा, उसका जो इरादा था बराबर नहीं था, और कुछ भी होगा तो भी नकारात्मक विचार आएंगे। तो ये जो परसेप्शन का प्रॉब्लम है, कॉग्निशन का प्रॉब्लम है, तो उसको भी ठीक करने के लिए फिर कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं CBT,
और हिप्नोथेरेपी काफ़ी लोगों में फायदेमंद रहती है। एंटी डिप्रेशन दवा जो है वो 8 से 15 दिन में काम में आती है, मतलब उसका फ़र्क दिखने के लिए 8 से 15 दिन लगता है। और यदि बहुत ज़्यादा सुसाइडल थाट्स है, जैसा भी मेरे तरफ और एक पेशेंट आया था, उसको मैंने दवा तो लिख दिया मगर सुसाइडल थाट्स उसको बहुत ज़्यादा आने लगे। 2 दिन के बाद में वापस आया, उसको लाया मेरे तरफ और बोले कि नहीं नहीं इसने ना सुसाइडल अटेम्प्ट किया था। मतलब इसको तुरंत हमको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देनी पड़ेगी, ECT, क्योंकि उसके मन में बार बार विचार आ रहे हैं, उसने अटेम्प्ट भी किया है और ये मेजर डिप्रेशन है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो प्रॉब्लम आएगा। तो उसका हमने इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी। ECT जो है वो सभी पेशेंट में देने की जरूरत नहीं होती है, यूजुअली मेडिसिन से ठीक होता है। मेडिसिन, काउंसिलिंग ये दोनों देते हैं और उसको सपोर्टिव साइकोथेरेपी, तो पेशेंट 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। यूजुअली यदि आप उसको दवा 4 से 6 महीने कंटिन्यू करते हैं तो रिलैप्स होने का चांस बहुत कम है। क्या होता है यूजुअली कि ठीक लग रहा है तो लोग तुरंत दवा बंद कर देते, बोले नहीं नहीं साइड इफेक्ट हो रहा है, बंद कर देंगे, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है, फिर रिलैप्स हो जाएगा। फिर बोलते देखो कितने दिन से हम परेशान हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है, भाई तुमने गोली बंद कर दी। जो दवाइयाँ हैं उसके थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मुंह सूखना, आंखों में दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है जो टेम्पररी है, पेशाब जल्दी नहीं निकलती, रिटेंशन कभी कभी हो सकता है, भूख लगती नहीं है, कभी कभी जी मचलाना होता है। तो ऐसे जो सिम्टम्स है उसके लिए वो प्रकार की दवाई दिया तो ये सिम्टम निकल जाते हैं। कुछ एंटी डिप्रेशेंट जो है उसे नींद आती है ज़्यादा, तो फिर हमको उसके साथ में मोडाफिनिल जैसी दवाई जब हम देते हैं सुबह, तो फिर दिन में आदमी बहुत फ्रेश रहता है और रात में अच्छा सोता है, डिप्रेशन कम्प्लीटली क्यूरेबल है, अच्छा हो जाता है। यदि आपको हमारे से कंसल्टेशन करना है तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर आप ₹150 का पेमेंट कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर आपको फिर कॉल करेंगे, आपको पूरा फॉर्म भर दो उसमें नाम गाँव नंबर, कॉल करेंगे, वो हिस्ट्री लेंगे, मेरे से बात करेंगे और आपको हम दवाई मेडिकल से भेज देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को जरूर शेयर करो, क्योंकि न्यूरोटिक डिप्रेशन जो मतलब माइनर डिप्रेशन जो है वो करीब करीब 10 से 15% है और कुछ कुछ स्टडीज में 25%, मतलब 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन पाया गया है। मेजर डिप्रेशन 3-4% है। तो ये इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता, डिप्रेशन ठीक हो गया हमारा देश आगे निकल जाएगा। वीडियो शेयर करो, लोगों को केयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।